नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को हटाने के लिए चल रहा क्रमिकंसन अब और तेज होता जा रहा है। विगत दिनों तीन किसानों के ऊपर दर्ज कराए गए मामले के बाद कई संगठन और समाज के लोग सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे के द्वारा अधिवक्ता पीड़ित किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता करने के आरोप हैं। तानाशाही रवैया के खिलाफ क्षेत्र के लोग विगत एक सप्ताह से अधिक समय से तहसील कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन कर रहे हैं। धरना स्थल पर पहुंचे किसानों ने बताया कि विगत दिनों एक कार्यक्रम की जानकारी देने पहुंचे थे, जहां उनके साथ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे ने अभद्रता की थी। वहीं उल्टा किसानों के खिलाड़ी दोनों अधिकारियों ने FIR दर्ज करा दिया है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कितना दम है दमन में तेरा, देखेंगे हम, देखेंगे कितना दम है दमन में तेरा, देखेंगे वही देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया वही देखेंगे। सो वरना भी संघर्ष करो, कार्य है इसके लिए। दोनों को हम थोड़ा सा उच्च स्तर का उदाहरण दे करके विभाजन करते हैं। एक बार आनंद भवन में एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर नहीं होते, इसका भी ध्यान रखना। आपने आदरणीय भागवत तिवारी जैसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लगा करके एक हमारे लोकल भाषा में कहें कि आपने मशीन का छतमा छोड़ दिया है, और उस मशीन के छतमे से बचने वाला पानी डूब नहीं है, इसका ध्यान रखना। और धरना तो हमारा क्षेत्र का धरना है, हम लोग अपना नहाक होकर के फिर आ जाएंगे और फिर शाम होगी। यही चौपाल बहुत विराट परिस्थिति हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर गुंडा राज कायम है। हम लोगों ने, किसान लोगों ने दिन शनिवार के दिन हम लोगों ने ज्ञापन देने तहसील महोदय जी के पास गए थे। तहसीलदार ने कहा हमको आज छुट्टी, आज हमको ज्ञापन नहीं लेना है, छुट्टी है। तो साथियों, मेरे किसान भाइयों ने कहा कि आप जब छुट्टी है तो आप लोगों ने कार्यालय तो खोला है। उन्होंने कहा हम खोले हैं, तुमसे क्या लेना देना। तो साथियों, हमारे साथियों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि ज्ञापन ले लीजिए। उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया, उल्टे हमें किसान भाइयों को कलम पकड़ करके और बाहर कर दिया। बताइए, आज हम लोग किसान हैं, हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं, हम लोगों को अपनायन करना पड़ता है। साथियों, हम लोग किसान लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं, क्योंकि किसानों का भगवान प्रकृति होती है। और यहाँ का जो नायब तहसीलदार है एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो साथियों, हम तो चाहेंगे, प्रकृति भी जानती है कि ऐसा नालायक तहसीलदार, ऐसा नालायक नायब तहसीलदार को बर्गनी समाप्त कर ही देगी, क्योंकि प्रकृति जानती है हम लोगों के दिल में कितना हम लोग काम करते हैं खेतों में दिन रात। वही अनाज हम लोग जब बाजार में देते हैं, वही अनाज लोग तहसीलदार लोग अधिकारी कर्मचारी खाते हैं। साथियों, बड़ी विनम्रता है, हम लोग एक किसान घर के रहते हैं, किसानी करते हैं, और हम लोग सदा है, हम लोगों को भगवान जो होता है वो प्रकृति है। हम लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, प्रकृति के भरोसे रहते हैं। और यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का नायब तहसीलदार ने हम लोगों के साथ बड़ा बहुत बड़ा अन्याय किया है, हम लोगों को यहाँ से तहसील से खदा के भगाया है। तो साथियों, मैं प्रकृति से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को 6 महीने के अंदर भूल के अंदर जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम यही निवेदन करेंगे अपने प्रकृति से, अपने किसान भाइयों की, जब आत्मा हमारे को दुखती है तो हम लोग श्राप उसको लगता है। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, हमारे वकील साहब भी यहाँ से बैठे हैं। एक बार क्या हुआ था कि सवरिया में जगदीश प्रसाद तिवारी जी बड़े बाबू के नाम पर थे, तो हम एक बार वहाँ पर गए तहसीलदार बड़े बाबू पास, तो हमारे उनकी तो तय हो गई।
तो साथियों क्योंकि मैं एक ईमान किसान का होता है, ईमानदार से काम करता है। किसान ढूंढ नहीं पाता, अपने फलियान लेके जाता है। हम लोग अपने फलियान लेकर के गए और उन्होंने मेरा फलियान नहीं सुना। साथियों हम लोगों को भगाने का काम किया तो हम लोगों ने उसको श्राप दे दिया कि एक छह महीने के अंदर तुम फुटफुट मरोगे। साथियों एक महीना खटिया नहीं छोड़ा, हमारे लोग कैसे बैठे जानते हैं, एक महीना जगदीप भाई खटिया नहीं छोड़ा। तो हम लोगों का तो श्राप होगा क्योंकि किसान लोग हैं, इनकी आत्मा बड़ी दुखित होती है और ईमानदारी से काम करते हैं। तो जो हम लोगों का जो आक्रोश है, मजबूत तहसीलदार होना तहसीलदार और छह महीने से अधिक नहीं जी सकते क्योंकि प्रकृति का प्रकोप आपके ऊपर पड़ेगा। भाई जनता की सेवा के लिए और अच्छे के लिए न फरमाया है, तो अगर वो कानून के दायरे में सीएम डायरेक्ट नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर भी कानून लगना चाहिए कि लगना चाहिए। तो ये है सरकार, यही है रामराज। चाहे आप अगर हकीकत सोचा जाए तो जनता का दमन कौन करता है, राक्षस करता है। अच्छे लोगों का अच्छा कर्म नहीं करने देता तो राक्षस नहीं करने। राम जी कभी ऐसा काम नहीं किए। तो ये राम के नाम से राक्षस राज बनाना चाहते हैं हमारे देश को। हम देखे हैं पहले दारू और गांजा ढूंढने से नहीं मिलता, आज गली गली में हर गांव में 50 लड़के गलियारी एक साथ बैठ के कोई मजदूर और गरीब अगर छोटा मोटा व्यापारी निकल रहा हो तो उसको लूट लेते हैं और पुलिस में शिकायत करने जाओ तो उल्टा उसी के ऊपर क्लेम लगाते हैं जो शिकायत करने जाता। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये भुक्तभोगी हुई बात है, हम सब देखते हैं। अगर आपको कोई मार रहा है और हम बचा दिए तो 10 जन हमको मारेंगे तो हम जाके पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारे पर उल्टा मुकदमा लगाती है, मुजरिम को नहीं ढूंढती, मुजरिम हमको बनाती है। यही है रामराज और यही है भाजपा का असली चेहरा। चेहरा बहुत अच्छा। अगर इसे हमको अच्छे नेता से समृद्धि मिलेगी, जनता का जो काम करे वही है सच्चा नेता, जो जनता का दुख दर्द समझे जैसे को होते हैं। इन्होंने हमेशा हम लोगों के बीच में आके लोगों का दुख दर्द, अरे जब इनका नहीं सुनते तो हमारा कहाँ से सुनेंगे भैया। आप सोच रहे कितना दमन हुई। तो ये जो हमारे एसडीएम साहब है और तहसीलदार साहब, ये तो भैया ये एक बात बता दे हमें कि कितना जनता को लूटते हैं, ये पैसे कहाँ है ब्लैक मनी। भाजपा ने कहा था हम ब्लैक मनी लाएंगे और देश में चमन करवा देंगे, तो ये जो ब्लैक मनी चालू है तो ये कहाँ है भाई, इसका भी जरा पता लगा के बता दो कि ये इनके पास है कि और कहीं रख दिए अपने नेताओं के पास जो इनको पोस्टिंग देते हैं। ये सारा अंगूठा छाप है, ये सारे डेली गरीब के जनता का खसरा नखरा चेंज करते हैं। बीरखाम पंचायत का नक्शा शायद वो क्या बोलते हैं परसीमन में लगा था, वहाँ का नक्शा आज तक नहीं सुधरा। जब सुधरा नहीं है तुम्हारा नापने का अधिकार नहीं तो अर्जी स्वीकार क्यों करते हो लड़ाने के लिए हमको, आपको ताकि लड़े और आके हमको पूंजी खिलाए। सीधी रास्ता नहीं बताते, टेढ़ी बताते हैं। अब बताइए जनता का कहाँ राम राज है, जमुना सुख चैन से बेचारा खाक रहा है